मेरे पास क्लिनिक में आई मीनू त्यागी और आने के बाद मैं सबसे पहले बोली मेरी बेबी नहीं हो सकता और रोने लगी मैंने पूछा क्या हुआ बोली शादी को दस साल हो गए हैं और दो बार अबॉर्शन हो गया है सब ने कह रखा है मेरे आसपास तुम मां नहीं बन सकती गोद ले लो मुझको अपना बेबी चाहिए इनकी ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट सात हजार सौ से ज्यादा बेबीज को जन्म अब तक दे चुके हैं और सबसे ज्यादा खुशी आपको बेबी देने में आती है लाइक शेयर और ये कहानी आपको सुनाने वाला हूँ त्यागी की फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी मैं मीनू त्यागी मुजफ्फरनगर से मैं बहुत टेंशन में थी मेरी शादी को टेन ईयर्स हो चुके थे क्योंकि मेरे पहले दो बेबी अबॉर्ट हो चुके थे और मैं इतनी टेंशन में थी कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी बेबी मिल पाएगा फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया डॉक्टर अंशु जिंदल के यहाँ तो मैं होप शो लगता था कि हाँ कुछ हो जाएगा लेकिन सर ने और मैडम ने मुझे इस तरह से मतलब समझाया और हमारी बातों को समझा तो हमारी फीलिंग हमें लगा कि हाँ कुछ हो सकता है लेकिन जब तक कुछ नहीं मिला तो हमें मुश्किल लगता था कि शायद रिजल्ट क्या होगा तो इनका हमने आई किया आई करने के बाद में इनको पहले प्रिपेयर किया उसके लिए इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पहले वो दूर की फिर इनका आई किया आई करने के बाद में इनको प्रेगनेंसी हुई पर अब सबसे बड़ी परेशानी क्या थी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इनको थायराइड था इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ सारी ऐसी चीज़ें कि बेबी ना हो इनका शरीर करने लगा बहुत मेहनत से डॉक्टर अंशु ने लग के एंटीनेटलिन का किया एंड बहुत हाई रिस्क होते हैं ऐसे बेबीज बहुत बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कई बार अबॉर्शन हो चुके हैं जब वो आई से प्रेगनेंट होते हैं वो फिर से अबॉर्शन करना ही चाहते हैं जाहिर सी बात है किंतु ढंग से लग के एक बहुत अच्छी तरह से फाइनली इनको बेबी हुआ शुरू से सर से और मैम से बात करके लगने लगा था कि हाँ हमें सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा और मैम ने धीरे धीरे और सर ने हमारी को हौसला अफजाई करी और हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ लेकिन ट्रीटमेंट के चलते चलते मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई सब क्रिटिकल था बीपी हाई मेरा थायराइड भी था और बेबी कंसी होने के बाद भी ये था कि इसे लास्ट टाइम तक हम कैसे ले पाएंगे लेकिन वो ये धीरे धीरे सर का साथ था और पॉजिटिविटी थी तो इसलिए मैं यहाँ तक आई विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही सक्सेस इज नॉट फाइनल फेलियर इज नॉट फेटल इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स कितनी कमाल की चीज की कि सक्सेस फाइनल चीज नहीं है जिंदगी में और फेलियर का मतलब यह नहीं है कि हम मर गए जो आपका हौसला और जो आपकी हिम्मत है आखिर तक लड़ने की वही आपको विजय बनाता है तो ये विस्टर चर्चिल की कमाल की चीज हमको यहां देखने को मिला उसके बाद मुझे कोविड का भी सामना करना पड़ा। लास्ट टाइम तक भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, सब कुछ क्रिटिकल था। लेकिन यही है कि सर ने और मैडम तो आपकी भी कोई समस्या हो, free, क्योंकि आपके अगर बेबी पैदा होगा ना बहुत खुशी मिलेगी हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हमारी अगली वीडियो और अगर आप फर्टिलिटी चैंपियन बनना चाहते हैं तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है फर्टिलिटी चैंपियन आइए ज्वाइन कीजिए रूबरू होते हैं